गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आदर शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, अब तक हमने अपने इंग्लिश फर्स्ट के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। हमने पिछले कलांश में एडिंग कलर्स, जो कि हमारा लेसन 5 है, उसको पढ़ा, समझा, हमें उसकी एक्टिविटीज़ को सॉल्व किया था। सो वो लेसन कम्प्लीट हो चुका है। Now, today, we will read lesson 6, the Dasera festival. यानी आज हम अपना lesson 6, the Dasera festival, यानी दशहरा त्यौहार है जो, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज उसका part first शुरू करेंगे। Okay, so let's start. The Dasera festival. सबको पता है हमारे भारत में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं ना, कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, बल्कि त्यौहारों का देश ही कहा जाता है हमारे भारत को, है ना। क्या कहते हैं, भारत एक त्यौहारों का देश है। यानी क्यों कहते हैं यहाँ पे त्यौहारों का देश है, क्योंकि यहाँ हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आ ही जाता है और मनाया जाता है, और बहुत ही धूमधाम से, है ना, चाव से मनाए जाते हैं। सो दशहरा भी एक त्यौहार है ना। और सबको पता है दशहरा क्यों मनाते हैं, सबको पता है ना। यस, क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, सबको पता है। जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, वैसे ही दशहरा भी एक त्यौहार है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इस चैप्टर को पढ़ें उससे पहले हम इसकी ग्लोसरी को पढ़ेंगे। ग्लोसरी को पढ़ने एवं समझने से, बार बार याद करने से, इस चैप्टर को पढ़ने में हमें समझने में आसानी होगी। सो हमारी ग्लोसरी की फर्स्ट मीनिंग है ZEAL, 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 enthusiasm, है ना, enthusiasm, सॉरी, यानी ENTHUSIASM, यानी क्या होता है, उत्साह। ZEAL यानी उत्साह, बहुत ज़्यादा गहराई से, खुशी से मनाया जाए जो। नेक्स्ट है किडनैप, KIDNAP, किडनैप, किडनैप यानी अपहरण करना, किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के रखना, उठा के ले जाना उसकी बिना मर्जी के। टू टेक समवन अवे बाय फोर्स इलीगली, यानी गैर कानूनी तरीके से किसी को ज़बरदस्ती ले जाना, क्या है, अपहरण करना। नेक्स्ट है हमारी ऑनर, HONOUR, ऑनर, इसमें H साइलेंट रह रहा है, हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, ऑनर, है ना। ऑनर यानी आदर करना, किसी का सम्मान करना, है ना। ग्रेट रेस्पेक्ट, महान रेस्पेक्ट करना, किसी की आदर करना। एंड एडमिरेशन, एडमायरेशन, है ना, तो इसका मतलब, ऑनर का मतलब होता है सम्मान, आदर। नेक्स्ट हमारी मीनिंग है, थर्ड नंबर मीनिंग से जो है, यस, विक्ट्री, क्या है, विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री यानी विजय पाना, जीतना, है ना। एन ओकेशन व्हेन यू विन अ वॉर गेम, कंपटीशन, इलेक्शन, एक्स्ट्रा, यानी आप किसी गेम को जीतते हैं, खेल को, किसी युद्ध को जीतते हैं, कंपटीशन, प्रतियोगिता जीतते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, चुनाव जो है, अभी चुनाव चल रहे हैं ना हमारे गांव में, यस, सो उसको जीतने को क्या कहते हैं, विक्ट्री, है ना। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज, ORGANIZE, ऑर्गेनाइज यानी किसी का आयोजन करना, किसी कार्यक्रम का आयोजन करना, आयोजित करना, है ना। टू अरेंज फॉर समथिंग, किसी चीज़ की व्यवस्था करना, क्या कहलाता है, आयोजित करना। नेक्स्ट है इनेक्ट, क्या है, इनेक्ट, इनेक्ट यानी क्या होता है, ENACT, इनेक्ट यानी अभिनीत करना, किसी, मतलब किसी कला को परफॉर्म करना, जैसे हम कोई एक्टिंग करते हैं स्टेज पे, जो हम परफॉर्म करते हैं ना, उसे कहते हैं अभिनीत करना, है ना। टू परफॉर्म अ प्ले और एक्ट अ पार्ट इन अ प्ले, किसी नाटक में भाग लेते हैं और वो जो हम काम करते हैं ना, अपना एक्टिंग जो करते हैं, उसे अभिनीत करना कहते हैं। नेक्स्ट है गेटअप,
GETUP गेटअप। गेटअप यानी पहनावा, यानी कुछ पहनना, चेंज करना अपने अंदर। अ सेट ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का जो सेट होता है, स्पेशली स्ट्रेंज और अनयूजुअल वंस, है ना, यानी ये जो है विशेष तौर पर किसी के, मतलब नकल करना, किसी की तरह बनना, उसकी तरह कपड़े पहनना, है ना, वैसा उसका रोल करना, वैसे उसे कहते हैं पहनावा, है ना। गेटअप जो कपड़े पहनते हैं, मुखौटा वगैरह लगाते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा, जैसे कि किसी को राम बनना है तो वो क्या करेगा, मुकुट पहनेगा, पूरे बढ़िया कपड़े पहनेगा, पैरों में कड़ाऊ वगैरह सब पहनेगा। अगर उसे वनवासी राम का वो करनी एक्टिंग तो क्या पहनेगा, हाँ धोती पहनेगा और गले में माला और पैरों में खड़ाऊ, है ना, और बालों को कैसे बांध लेगा, जुड्डे की तरह, है ना। सो एक और फिर धनुष बाण हाथों में डाल लेगा, बाहों में, है ना, ऐसे वह एक सन्यासी राम का वर्णन कर सकता है। यानी कोई भी नाटक कर रहा है और अगर किसी का रोल अदा करना है, किसी के बारे में, किसी के जैसा बनना है, उसके तरह कपड़े पहनना, उसकी तरह मुखौटा पहनना, उसकी तरह बोलना करना, वो सब क्या होता है, गेटअप, पहनावा, जो कपड़े उसकी तरह पहनते हैं। स्टफ, STUFF, स्टफ। स्टफ यानी ठूंसना, भर भर के किसी को, दबा दबा के किसी चीज़ को ठूंसना। टू फील समथिंग टाइटली, किसी को टाइटली भरना, अपन दबा दबा के भरते हैं ना, कभी रुई को तकिए में रुई भरते हैं तो दबा दबा के उसको ठूंसते रहते हैं, भरते हैं ना, या हम कोई पूर वगैरह कोई होता है या कोई सामान डाल रहे हैं किसी में, हम उसको ठूस ठूस दबा दबा के भरते हैं ज़बरदस्ती, तो वो ठूसना होता है। फायरवर्क्स, FIREWORKS, फायरवर्क्स यानी क्या होता है, आतिशबाजी, पटाखे, है ना, क्या कहलाते हैं, पटाखे, यस, दीपावली आ रही है ना सबके लिए। नेक्स्ट है इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट, इरेक्ट यानी खड़ा करना। टू बिल्ड अ बिल्डिंग, कोई इमारत खड़ी करना, जैसे वॉल, दीवार बनाना, अदर स्ट्रक्चर, कोई भी अन्य स्ट्रक्चर की तरह बनाना। सो वो क्या हो गया, उसका अर्थ हो गया खड़ा करना, इरेक्ट करना यानी खड़ा करना, ओके। नेक्स्ट है फायर क्रैकर, जैसे हमने फायर वर्क पढ़ा ना, वैसे क्या होते हैं फायर क्रैकर, वो कैसे होते हैं, छोटे पटाखे, है ना, FIRECRACKER, फायर क्रैकर यानी छोटे पटाखे, स्मॉल फायर वर्क यानी छोटे पटाखे, छोटी आतिशबाजी करते हैं, जो क्रैकर्स जिनको बोलते हैं, छोटे पटाखे कहलाते हैं। असेंबल, ASSEMBLE, असेंबल यानी अपन बोलते हैं ना असेंबली, सभा, है ना, तो असेंबल क्या, इकट्ठा होना, एक सभा आयोजित करना, जैसे टू कम टुगेदर इन अ सिंगल प्लेस और बींग पार्ट्स टुगेदर इन अ सिंगल ग्रुप, एक समूह में कुछ लोगों का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, असेंबल, है ना। नेक्स्ट है मास्क, MASK, मास्क, मास्क यानी क्या होता है, मुखौटा, जैसे कोई हनुमान जी बनता है तो उसका मुंह का मुखौटा लगाता है ना, कोई रावण बनता है तो उसके 10 सिरों का मुखौटा लगाता है ना, ऐसे चेंज होते हैं सब, जो चेहरे पे लगाया जाता है, एक प्लास्टिक का बना हुआ होता है, उसका मतलब अलग चेहरा होता है, उसे बोलते हैं मुखौटा। कोई जानवर का भी लगाता है ना, हम खिलौने खेलते हैं उसमें मिलते हैं काफ़ी, हम टॉयज वगैरह खरीदते हैं उसमें मिलते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा चैरियट, CHARIOT, CHARIOT, चैरियट यानी क्या होता है, रथ, है ना, जिस पे राम जी बैठते हैं, है ना, पिछले कई सालों पहले की जब होते थे तो क्या होती थी, सवारी रथ ही होते थे, घोड़े लगाए हुए होते थे, है ना। एन ओपन व्हीकल, खुला, विद टू व्हील्स, दो चक्कों का एक खुला व्हीकल, पुल्ड बाय हॉर्सेज, घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है, यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स इन अ बैटल एंड फॉर रेसिंग, किसके लिए यूज किया जाता था पहले, पिछले ज़मानों में रेस के लिए यूज किया जाता था, एंशिएंट यानी प्राचीन काल में, टाइम्स यानी काल समय, ओके। चैरियट यानी क्या हो गया, रथ हो गया, सबने देखा है, आजकल तो टीवी पे सब देखते हैं, रामायण महाभारत आती है उसमें देखते हैं ना हम लोग। नेक्स्ट है सिंबल, SYMBOL, सिंबल, सिंबल यानी चिन्ह, प्रतीक, अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट, एन इवेंट, एक्स्ट्रा दैट रिप्रेजेंट
समथिंग एल्स, यानी किसी चीज के बारे में, वो व्यक्ति कोई भी हो, कोई भी कर्ता हो, कोई भी कर्म हो, कोई भी कार्यक्रम हो, वो आदि, ये सभी क्या है, किसी एक व्यक्ति को मतलब उसको दर्शाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रतीक कहलाता है, चिन्हित कहलाता है, किसी के बारे में होता है। एक्सप्लोड, ई नेक्स्ट है ई एक्स पी एल ओ डी ई, एक्सप्लोड, एक्सप्लोड यानी विस्फोट करना, है ना, फूटना, उसे कहते हैं एक्सप्लोड। टू बर्स्ट लाउडली, एकदम जोर से, तेजी से आवाज़, बहुत तेज़ आवाज़ होती है जिसे कहते हैं विस्फोट होना, फूटना, है ना, सुतली बम फूटते एकदम फोट जोर से बोलता है ना, वैसे विस्फोट करना उसे कहते हैं एक्सप्लोड। नेक्स्ट एंड लास्ट है एविल, ई वी आई एल, एविल, एविल यानी बुरा, बुराई, है ना, हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन पीपल, मोरली बैड यानी नैतिकता को बुरी तरह से हराना, पीपल का मतलब लोगों पे एक नुकसान होना, एक बुरी तरह से क्या कहलाते हैं, बुराई, नैतिकता का मतलब हास होना, नैतिकता का हास होना क्या कहलाता है, बुराई। नेक्स्ट एंड लास्ट है एसेज, ई एस एच ई एस, एसेज, एसेज यानी क्या होता है, राख, जो लकड़ी जलाते हैं उस पर बची हुई होती है राख, उसे कहते हैं एसेज। व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर समथिंग हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग, यानी जलने के बाद कोई भी चीज़ जो जलती है उसके बाद जो वो इकट्ठी होती है काला काला सब, उसका जला हुआ जो होता है बुरादा, उसको राख कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ग्लोसरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट कालांश में, अपने नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।